खबर शामिल करेंगे। इस्लामी यूनिवर्सिटी की 25,000 बच्चियों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। अगर किसी के पास कोई सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की बहावलपुर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक भेड़िए को बच्चियों की सिक्योरिटी सौंप दी गई जिसे सजा मिलनी चाहिए थी। सियासी मुखालफीन ने सिर्फ मेरी पगड़ी उछालने के लिए ऐसा घिनौना खेल खेला। जिन्होंने पगड़ी उछाली उन सब पर हद तक इज्जत का दावा भी दायर किया जा रहा है। तारिक बशीर चीमा का इस हवाले से क्या कहना था ये देखते हैं। तारिक बशीर चीमा को जेल करने के लिए उन 25,000 तालिबात की किस्मत से, इज्जत से, उनके वालदैन की इज्जत से खेलने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत गंद था। ये वाइस चांसलर साहब की और उनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस गंद को साफ करते। अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाओ प्लीज। मैं कम से कम आपको ये बताऊं कि भाई इसका ना सर है ना पांव है। ये मैंने हद तक इज्जत का दावा कर दिया। कुछ साफियों पर मैं एक आध दिन में मेरे वकील लीगल नोटिस भेज देंगे। आए ना सबूत लाए। इसमें मुझे तकलीफ सिर्फ ये हुई, अगर मेरी जात की हद तक होता, मेरे बेटे की जात की हद तक होता, शायद मैं इसकी परवाह भी ना करता। 25,000 तालबात है यार, खुदा का खौफ करो। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे। औरंगी टाउन में डकैती करके फरार होने वाले मुसल्ला मुलजिमान